हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और जैसा कि आपने आज देख लिया होगा थंबनेल के अंदर कि मैं बात करने वाला हूँ कि अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो अब हम क्या करेंगे। तो बता दूँ आपको, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा बट हमारी कंपनी तो वही रहेगी। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम कंपनी उसी के अंदर काम करें और या फिर एक नई कंपनी बनाएं और उसके जो बैलेंसेज हैं हम उसको एक्सपोर्ट करके वहाँ पर इम्पोर्ट करें या फिर टाइप मैनुअली करें। तो आज मैं दोनों ही बताऊँगा आपको और कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है इसके बारे में भी आपको अपनी गाइडेंस दूंगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो बता दूं आपको, करने के दो तरीके हैं और कुछ नहीं। जैसे कि पहले भी कहते जा रहा हूं कि जो सीरीज़ चल रही है हमारी टैली प्राइम रिलीज 4.1 के ऊपर, एक प्रीमियम सीरीज़ है जिसके अंदर मैं अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, टैक्सेशन, GST, TDS, एक्साइज और इवन की पेरोल तक भी कवर करने वाला हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसके घंटे बच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि डाटा क्या है हमारे पास और हम कैसे काम करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। कंपनी का नाम है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन। हालांकि इसकी 12 महीने की एंट्री मैंने पूरी की हुई है और इसकी जो प्लेलिस्ट है वीडियोज़ की वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके आप चेक कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की आने वाली नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत अगर आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं आपको चेक कराऊँ अगर बैलेंस शीट, तो आप देखिए ये बनी हुई है बैलेंस शीट। और साथ में यही नहीं, अगर आप इनके अंदर जाएंगे ड्रिल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे एंट्रीज़ भी हो रखी हैं। ठीक है, ये देखिए एंट्रीज़ भी हो रखी हैं। तो अब यहाँ तो मेरे पास तरीका क्या है कि मैं इसी कंपनी में काम करूँ। अब इसी कंपनी में काम करना है तो मेरे पास तरीका क्या है, मैं यहाँ पर इसका पीरियड चेंज कर लूँगा। ठीक है, अभी क्या पीरियड आ रहा है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। और अगर मैं डे बुक की बात करूँगा तो लास्ट एंट्री मेरी क्या आ रही है, 31 मार्च 2024 की आ रही है। अब मुझे एंट्री करनी है 1 अप्रैल 2024 की, मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। तो मैं क्या नई कंपनी बनाऊँगा, बना भी सकते हैं, बट मैं पहले आपको बताऊँगा कि अगर हमें उसी कंपनी में काम करना हो तो क्या होगा, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो बात करते हैं, मैं जाता हूँ पहले वाउचर के ऊपर। अभी देखिए डेट हमारी क्या आ रही है, 31 मार्च तक। तो क्या मैं डेट यहाँ पे अगर लूँगा 1 अप्रैल 2024 का लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा। देखते हैं, देखिए डेट आ गई 1 अप्रैल 2024, एंटर करता हूँ। क्या बता रहा है, डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड, कि जो मेरा करंट पीरियड है वो क्या है, वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक है। तो 1 अप्रैल 2024 जो है 31 मार्च के बाद आता है न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो नहीं लेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका मुझे करना है चेंज पीरियड। तो मैं करता हूँ ऑल्ट F2 और यहाँ पे लेता हूँ 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो देखिए मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब क्या होगा कि मैं 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक मैं एंट्री नहीं कर पाऊँगा। देखते हैं कैसे। अभी मेरा पीरियड ये है, मैं जाता हूँ वाउचर पे और एंट्री की घोषणा करता हूँ क्या 31 मार्च 2024 में। तो देखिए फिर मैसेज आ गया कि डेट कैन नॉट बिलो द करंट पीरियड। अब हमारा पीरियड कौन सा है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो 31 मार्च 2024 जो है वो 1 अप्रैल 2024 से कम होता है तो वो नहीं लेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो डिफरेंस है आपका कि अगर आपको पिछले ईयर में एंट्री करनी होगी तो फिर वो कैसे करोगे, तो आपको बार बार पीरियड चेंज करना होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, और अगर हम ऐसा करते हैं क्या कि पूरा डायरेक्ट शुरू कर लेते हैं 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2025 तक 2 साल का, तो उसमें दिक्कत क्या होगा कि जब एंट्री पास करेंगे, मान लो आप कर रहे हो 31 मई 2024 की, है ना, तो गलती से क्या होगा 31 मई 2023 में हो गई, सारे बैलेंस ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आई थिंक ये प्रैक्टिस सही नहीं है। तो बेस्ट वे क्या है कि आप इसका पीरियड चेंज करो। अगर मेरे पास एंट्री पहले कौन सी थी, मेरे पास पहले एंट्री थी 23 से लेके 24 तक। ठीक है, ये पूरी मेरी एंट्री आ गई। अब मेरे को नया ईयर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा 24 से 25। मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट F2, उसके बाद मैंने यहाँ पे किया 24 और 24 से किया मैंने 25। तो मेरी यहाँ पे 2 पीरियड बन गए। ठीक है, और लास्ट एंट्री मेरी क्या है, 31 मार्च को है। अब मैं ट्राई करता हूँ एंट्री 1 अप्रैल 2024 को करने की। तो मैंने डेट ली और यहाँ पे लिया मैंने 1 अप्रैल 2024। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एंट्री कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लीजिए मैंने रेंट पे किया है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ रेंट, और रेंट में अभी देखो यहाँ पे कुछ भी बैलेंस शो नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 31 मार्च तक का था, इस साल का नहीं है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ बैलेंस शीट में जाके या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जाके, तो ये 24 की एंट्री आ रही है, 31 मार्च 2024 की। तो 31 मार्च 2024 तक जो हमारी लास्ट एंट्री थी, इसमें तो हमारे बैलेंसेस ये थे,
ये आ गए, ठीक है। ये सारे के सारे बैलेंस जो हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड होके आ गए एज अ ओपनिंग बैलेंस, लेकिन एंट्री कोई नहीं आएगी हमारी। एंट्री कब से होएगी? जब आप यहाँ से लोगे 1 अप्रैल 23 से लेके 1 अप्रैल 24 तक। तो यहाँ पे सारे बैलेंसेज आ गए, तो अब मुझे वाउचर पे जाना है। और मैंने पेमेंट लिया क्या FI वाउचर प्रेस करके, और रेंट, और रेंट अभी कोई एंट्री नहीं आ रही, तो मैंने दिया 2500 रुपये। और मैंने कैसे दिया? बैंक से दिया। तो 2500 की मेरी एंट्री हो गई। अब आप देखिए लास्ट एंट्री क्या है, 1 अप्रैल 24 की। लेकिन मेक श्योर कि ये 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक की एंट्री आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वही दिखाई देगा जो इस पीरियड में आ रही है। तो अगर तो आप इसी कंपनी में चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं, अदरवाइज इस कंपनी को आप कर सकते हैं स्प्लिट। जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो कैसी होगी कि 1 अप्रैल 23 से लेकर 24 तक की एक कंपनी, और 1 अप्रैल 24 से लेकर 25 तक की एक कंपनी। बट स्प्लिट आप तब कीजिएगा जब आपके अकाउंट पूरे फाइनलाइज हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है लेकिन अकाउंट सेटल नहीं होते अगले 1-2 महीने तक। क्योंकि होता है क्या कि हमें पूरी तैयार करनी है, बैलेंस शीट पूरा तैयार करना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अपने प्रॉफिट कम से कम शो करने हैं ताकि हमारा टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बचे, कम से कम लगे और प्रॉफिट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बचे। तो वो डिपेंड करता है कि आप हम क्या कर सकते हैं। तो आपको अगर उसी कंपनी में काम कर रहे हो तो जब पूरे आपके अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाएंगे, इवन कि आफ्टर ऑडिटिंग अगर वो होती है तो उसके बाद आपको करना है। तब तक कि इसके लिए आप स्प्लिट ना कीजिएगा, आप ऐसे चलने दीजिएगा। अब मान लो कि आपको स्प्लिट का मौका आ गया, आपको स्प्लिट करना है, आपके अकाउंट्स पूरे सेटल्ड हो गए हैं, फाइनलाइज हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे? तो हमारे पास क्या है कि 23 से 24 का कंपनी एक थी और 24 से 25 कंपनी एक थी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले करता हूँ पीरियड को चेंज। मैंने यहाँ पे लिया 23 और फिर मैंने यहाँ पे लिया 24। तो 23 से 24 का मेरा पीरियड आ गया और लास्ट एंट्री मेरी क्या है 1 अप्रैल 24 को, जो कि नए फाइनेंशियल ईयर की है। तो मैं इसको करूँगा स्प्लिट। कैसे? वाई पे गया और यहाँ पे जाऊँगा स्प्लिट, और सबसे पहले करूँगा वेरीफाई। वेरीफाई मैं क्यों करूँगा? ये चेक करने के लिए कि कोई एरर तो नहीं है। वेरीफाई किया, कौन सी कंपनी करनी है? ये वाली करनी है। ओके, एंटर किया एंड एक्सेप्ट। इन प्रोग्रेस, नो एरर फाउंड। इसमें कोई एरर नहीं है, विच मीन्स कि नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू कन्वर्ट इनटू टू फाइनेंशियल ईयर्स। कौन कौन से? 23-24 और 24-25। फिर जाता हूँ मैं डाटा में और यहाँ पे लेता हूँ दोबारा से स्प्लिट एंड देन स्प्लिट डाटा। जैसे ही मैंने किया तो कौन सी कंपनी करनी है, सारी कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। मुझे इसका करना है स्प्लिट फ्रॉम। कहाँ से करें? अगर डाटा मेरा शुरू हो रहा था 23-24 से तो स्प्लिट करें दूसरी कंपनी 1 अप्रैल 24 से। इससे क्या होगा कि आपकी 1 23 से 24 तक अलग कंपनी बन जाएगी और 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक अलग कंपनी बन जाएगी। जैसे कि आपके सामने यहाँ लिखा आ रहा है, नेम ऑफ द फर्स्ट कंपनी, कंपनी का नाम वही है, ब्रैकेट में आ जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 23 और अगले भी लिखा आ जाएगा 1 अप्रैल 24, कंपनी का नाम सेम रहेगा। एंटर करता हूँ एंड एक्सेप्ट, कंटिन्यू। ओके, जैसे ही मैंने किया कंटिन्यू तो ये दो कंपनी में इसको कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन क्या मेरी पहली कंपनी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, वो कंपनी फिर भी आपकी रहेगी। तो उसके अंदर आप जाके बाद में भी कर सकते हो। लेकिन होगा क्या, अगर आप सारी एंट्री मान लो इस फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हो तो नेचुरली बात है वो इसमें तो आएगी नहीं ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि अकाउंट फाइनलाइज होने के बाद ही आपको करना है, पहले नहीं करना। तो आप देखेंगे ये 24 की एंट्री आ रही है और यहाँ पे लास्ट एंट्री मेरी कब हुई थी? 1 अप्रैल 24 को हुई थी। अगर हम चेक करें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके तो सिंपल एक ही एंट्री है जो कि नेट लॉस होएगा हमारा। क्यों? क्योंकि खर्चा हमारा 2500 का बढ़ गया, इनकम कोई है नहीं। और बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो वो सारे बैलेंसेज जो थे हमारे 31 मार्च 24 तक के, वो सारे हमारे 1 अप्रैल 24 से ऑनवर्ड हो गए हैं। लेकिन अगर बात करेंगे इनके अमाउंट की तो सिर्फ ये एज ए ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे, एंट्री में कोई नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये ओपनिंग बैलेंस आपके क्रिएट कर देगा क्लोजिंग बैलेंस से जो 31 मार्च तक के थे। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, अगर मेरे को ये ना करना हो, स्प्लिट ना करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मेरे पास टेक्निक है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, एक बार मैं यहाँ पे भी आपको रिपीट कर देता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं पहले कंपनी नहीं बना लेता हूँ। मैं F3 में गया और क्रिएट में गया और यहाँ पे लिया मैंने क्या, न्यू यू यूनिवर्सल सॉल्यूशन बिजनेस सॉल्यूशन UBS, और यहाँ पे लिखा मैंने फाइनेंशियल ईयर 24-25। जो भी आपको नाम देना दे सकते हो, मैं आपको टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, स्टेट हरियाणा, कंट्रोल ए किया। फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक, और बुक्स मेरी स्टार्ट कब हो रही हैं? 1 अप्रैल से हो रही हैं। कंट्रोल ए किया, मेरी कंपनी बन गई। अब इस कंपनी में कोई भी लेजर नहीं है, ठीक है, इस कंपनी में कोई भी लेजर नहीं है, कंपनी आ गई। तो मुझे क्या करना होगा, जहाँ से लेजर लेके आने हैं पहले वहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा और फिर इस कंपनी में इम्पोर्ट करूँगा। कैसे देखते हैं, तो मैं इस कंपनी में गया और इसका पीरियड क्या आ रहा है 23 से 24। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं जाता हूँ एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट पे गया। अब करना क्या है, मास्टर्स करने हैं। तो मैं यहाँ पहले करता हूँ कन्फिगर।
कन्फिगर मैं क्यों कर रहा हूँ कि ये जानने के लिए कि मुझे करना क्या है। मेरे को सिर्फ लेजर चाहिए। अगर आपको चेंज करना है, आपको पेरोल के चाहिए, अटेंडेंस चाहिए, बजट चाहिए, कॉस्ट सेंटर चाहिए, ऑल मास्टर करोगे सारा कुछ आ जाएगा। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को लेजर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूँगा लेजर्स। इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, अगर इस लेजर के ऊपर कोई मास्टर लेजर भी हो तो उसको भी कर ले, अगर वो कोई डिपेंड है तो। यस कर देता हूँ। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस, कि अब जिस किसी लेजर का 31 मार्च तक का जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो क्या उसको वो ओपनिंग में कन्वर्ट कर दे? बिल्कुल कर दे, ये तो करना ही करना है। यहाँ मैंने किया यस, और वो कब तक का करे? 31 मार्च तक का। तो होगा क्या, 31 मार्च 24 से जो भी आपका बैलेंसेज हैं एक्सपोर्ट, वो नई कंपनी में एज ए ओपनिंग क्रिएट हो जाएंगे। पर फॉर्मेट की बात करें तो आपको फॉर्मेट लेना है कौन सा? XML। और फाइल का नाम क्या बनेगा यहाँ पे? master.xml, जो सेव होगी आपके इस लोकेशन पे। हालांकि नाम चेंज करना हो तो कर सकते हो। लाइक मैं बोल देता हूँ क्या मैंने नाम दिया, मैंने यहाँ नाम दिया क्या, ledger .xml। एंटर किया, फाइल का नाम आ गया, कंट्रोल ए किया एंड देन एक्सपोर्ट। तो ये लेजर जो है मेरा, देखो ऑटोमेटिकली फाइल नाम बन गई 20 अप्रैल को सुबह 7:33 में। ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा? अब मुझे इस फाइल को, लेज मास्टर वाली फाइल को इंपोर्ट करना है। किस में? इस कंपनी में। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ, खाली थी बिल्कुल। अगर मैं आपको चेक कराऊँ कि इसके लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, तो आप देखेंगे जो बाय डिफॉल्ट ग्रुप्स होते हैं 28 ग्रुप और 2 लेजर, बस वही आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, कंपनी मैंने ओपन कर लिया न्यू वाली, मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट। और क्या करना है, मास्टर। अब फाइल का नाम क्या है? XML फाइल है, और यहाँ पे फाइल का नाम था मेरा लेजर, तो मैंने यहाँ पे लेजर फाइल लिया। अब यहाँ पे आ रहा है ट्रीटमेंट, कि आपको करना क्या है। ये तब आता है जब हम बात करते हैं कि इफ़ इम मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि अगर लेजर ये वाले पहले से बने होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या लेजर जो मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, क्या मेरे पहले से बने हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं बने हुए, तो डरने की बात ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मॉडिफाई विद न्यू डाटा, सिंपल। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, और उसके बाद बैकअप लेना है नहीं लेना, और इंपोर्ट किया। तो देखिए इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एंटर किया मैंने यहाँ पे। अब आपको चेक कराऊँ इसी कंपनी के अंदर, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में गया, लेजर में गया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो डेटर्स थे, जो एसेट्स थे, सबके लेजर ऑटोमेटिकली हो गए। तो क्या पहले आ रहा था, 28 ग्रुप 2 लेजर, अब कितना आ रहा है, 28 ग्रुप 54 लेजर, मतलब 52 लेजर जो है हमारे वो इंपोर्ट हो चुके हैं। और अब बात करते हैं क्या हमारे बैलेंस शीट की, तो क्या पहले आ रही थी बैलेंस शीट? बिल्कुल आ रही थी। तो अब ये देखिए जो बैलेंसेस थे ये हमारे एज अ ओपनिंग क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, कोई एंट्री नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल लगी हुई है 4,95,089 रुपीज़। एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कोई कैपिटल लगी नहीं हुई है, हालांकि ये लास्ट जो क्लोजिंग बैलेंस था हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ से ओपनिंग होके आया, तो यही तो मेरे को चाहिए था। अब ये कंपनी मेरी हो गई है, अब मुझे करना क्या है, इसके बाद से मुझे अब एंट्री अपनी स्टार्ट करनी है। तो दूसरा तरीका हमारा क्या था, कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ क्या, कि आपको जाना चाहिए स्प्लिट कंपनी के अंदर, क्योंकि जितनी भी आप डाटा कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो कि मेरी फाइनलाइज होती है जून के अंदर, तो क्या मैं जून तक की एंट्री पास नहीं करूँगा, तो कितना लोड बढ़ जाएगा मेरे ऊपर? ऐसा होता कभी क्या, मुझे बिलिंग भी करनी होती है। तो बेस्ट वे क्या है, कि आप उसी कंपनी में काम करते रहो जिसमें पहले से कर रहे हो। तो उससे होगा क्या, जिस दिन आपके अकाउंट फाइनलाइज हो जाएंगे, आपकी बिलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, 31 मार्च तक वो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, उसको फाइनेंशियल चेंज करके आप नए ईयर में आ जाइए, एंट्री पास कर दीजिए। मान लीजिए आपकी 50 एंट्री हो चुकी है, बिलिंग की, परचेज की, सेल्स की, जो भी आपने करनी है। अब आपके अकाउंट्स फाइनल हो गए, ऑडिट हो गई, टर्न फाइल हो गई है, तो आपको लगता है कि ओके है, तो आप यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो बैलेंस है कोई अपडेट करना रह गया पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर बिफोर फाइलिंग रिटर्न, तो हम उसको जाके चेंज कर सकते हैं। और उससे बेनिफिट क्या होगा, कि वो नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी उसका इंपैक्ट पड़ जाएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप स्प्लिट कंपनी यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो यहाँ पे डे बुक की हम एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है लेजर्स को, वैसे ही हम क्या करेंगे ट्रांजेक्शन्स को भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।